शाहरुख खान जिन्होंने अपना एक्टिंग करियर 1992 में फिल्म दीवाना से शुरू किया था, वो आज तक बॉलीवुड के बादशाह हैं। किंग ऑफ रोमांस और किंग खान जैसे कई नाम उन्हें मिले हैं। हर किसी की नज़र उनसे जुड़ी खबरों पर होती है और जहां वो हमेशा अपने हर छोटी या बड़ी हरकत के लिए सुर्खियों में रहते हैं, ठीक उसी तरह उनके बच्चों की फैन फॉलोइंग भी तगड़ी है। जी हाँ, आपको बता दें, शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं। वहाँ उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। लेकिन आर्यन के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें हैं जिसे जानकर आप कहोगे, आई डोंट बिलीव दिस। वेल, इसलिए उनकी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक कुछ फैक्ट्स हम आपके सामने लाए हैं। तो विदाउट फर्दर अडू, आइए आपको बताते हैं आर्यन खान के बारे में कुछ अनसुनी बातें, किस्से और फैक्ट। वेल, SRK के बेटे आर्यन बेशक अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर बॉलीवुड में कदम रखने वाले हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि उन्होंने 2001 में आई करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम में यंग शाहरुख खान एज राहुल रायचंद का रोल प्ले किया था। फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट्स में आर्यन दिखे थे। Isn't that interesting? आर्यन खान ने 2004 में बतौर चाइल्ड डबिंग आर्टिस्ट भी काम किया। अनबिलीवेबल राइट, बट इट्स ट्रू, बिकॉज आर्यन को फिल्म हम है लाजवाब में तेज के कैरेक्टर की डबिंग के लिए बेस्ट डबिंग चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड उस वक्त मिला था। वेल, दैट्स नॉट इट, आर्यन की जर्नी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट यहाँ खत्म नहीं हुई। आर्यन ने कभी अलविदा ना कहना के लिए भी कुछ सीन शूट किए थे। जी हाँ, सॉसो प्लेयर का रोल आर्यन ने प्ले किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सीन किसी कारण से मेकर्स ने निकाल दिया था। आर्यन खान के बॉलीवुड डेब्यू की खबरें अक्सर आती रहती हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें फिल्म मेकिंग में भी काफी रुचि है। स्पेसिफिकली उन्हें फिल्म प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन में इंटरेस्ट है, जिसके चलते वो फिल्म मेकिंग एंड राइटिंग कोर्स ले रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से। आर्यन खान एक फिटनेस फ्रीक या फिटनेस एंथुजियास्ट है। उन्होंने मार्शल आर्ट सीखा है और इनफैक्ट आर्यन ने 2010 में महाराष्ट्र टाइकोंडो कॉम्पिटिशन में टाइकोंडो में ब्लैक बेल्ट के साथ गोल्ड मेडल भी जीता। आर्यन खान को मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है। टू बी प्रिसाइज, उन्हें कार में ज्यादा ट्रैवल करने से तकलीफ होती है। वेल, तो क्या वो इसी वजह से पेपराजी से बचते नजर आते हैं? कहते हैं ना, फेमस होना और फेम को संभालना आसान नहीं है, क्योंकि मीडिया में आए दिन फेमस पर्सनालिटीज के बारे में कुछ न कुछ लिखा और बताया जाता है। वेल, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी अपने पिता के बॉलीवुड सुपरस्टार होने का खामियाजा भुगतना पड़ा था। जी हाँ, जब शाहरुख खान के सबसे छोटे बेटे अब्राम का जन्म हुआ था, तो रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि अब्राम के पिता आर्यन हैं, ना कि SRK। इस अफवाह से शाहरुख खान की पूरी फैमिली बहुत डिसअपॉइंटेड और परेशान हुई थी। जी हाँ, कहा जा रहा था अब्राम आर्यन खान और उनकी रोमेनियन गर्लफ्रेंड के बेटे हैं। वेल, बाद में निराश SRK ने ये सारे बेहुदा रूमर्स को रिफ्यूट कर दिया और रिपोर्टेडली इस पूरे वाक्य को इमोशनली डिस्ट्रेसिंग बताया था। आर्यन खान के बारे में एक खास बात सामने आई थी कि उन्हें SRK की ही तरह अपना नाम बनाना है। उन्हें स्टार किड वाली इमेज अपने वर्क लाइफ से दूर रखनी है। रिपोर्ट्स की माने तो आर्यन को SRK का बेटा कहलाना भी नहीं पसंद। आर्यन खुद की आइडेंटिटी बनाने में विश्वास रखते हैं। आर्यन की लाइक्स एंड डिसलाइक्स की बात करें तो उन्हें ब्लैक कलर और हॉलीवुड सॉन्ग्स काफी पसंद है। इसी के साथ वो खुद को अलग अलग स्पोर्ट्स में एक्टिव रखते हैं। कंट्रोवर्सीज की बात करें तो आर्यन का नाम अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा के साथ जुड़ा था। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक 2014 में दोनों की कुछ इंटीमेट पिक्चर्स वायरल हुई थी। बाद में पता चला कि पिक्चर्स उनकी नहीं थी, उन पिक्चर्स में कोई और ही कपल था जो कुछ हद तक आर्यन और नव्या जैसे दिखते थे। Well, there are reports suggesting Aryan's debut in 2021. और ये देखना दिलचस्प होगा कि बॉलीवुड में उनकी एंट्री बतौर एक्टर या फिल्म मेकर होती है। कौन करेगा उन्हें लॉन्च? क्या वो पिता SRK जैसे ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी जगह बना पाएंगे या नहीं? या दूसरे स्टार्स की तरह आर्यन को भी सोशल मीडिया पर एक स्टार किड होने के लिए ट्रोल किया जाएगा? ऑल्सो,
नाउ दैट यू नो आर्यन वेरी वेल, क्या आप एक्साइटेड हैं उन्हें बिग स्क्रीन पर देखने के लिए? अपनी एक्साइटमेंट शेयर करें कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो अपने पसंदीदा कलाकारों और सितारों से जुड़ी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहें बॉलीवुड नाउ के साथ।